बेडू, मेरे जैसे कई लोगों के दिमाग में एक बात आ रही है कि यार ये पबजी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो ये जो करोड़ों लोग दिन भर घंटों पबजी पे चिपका करते थे वो क्या करेंगे? अरे पहले जो टिकटॉक को बैन किया था तो वो सारे के सारे टिकटॉकर यूट्यूब पर आ गए, पर चले नहीं चले वो एक अलग बात है। अब ये पबजी वाले करोड़ों लोग क्या करेंगे? अच्छा जी, तो हवन करेंगे, पर इतना बड़ा हवन कुंड कहाँ होगा? कहाँ से बनवाएंगे? कहाँ बनवाएंगे? जगह है? मैं बताऊँ, एक प्यारा सा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मानो तो हम ये हवन कुंड बनाएंगे इंडो चाइना बॉर्डर के वहां, और फिर हम हमारे पवन देवता से प्रार्थना करेंगे कि हे पवन देवता, अब बहुत तेज हवा चलाओ और हवा की डायरेक्शन केवल और केवल चाइना की तरफ रखो, इस चाइना की तरफ। उसके बाद हम सबसे बड़ा काम करेंगे आहुति देने का, लेकिन आहुति हम देंगे किससे? सिर्फ और सिर्फ देसी तीखी लाल मिर्च से, केवल कोल्हापुरी वाली तीखी तीखी मिर्ची। फिर देखो, चाइना वालों ने जब पबजी के थ्रू हमसे इतने सारे पैसे कमाए हैं ना, कैसे वो पैसे उनकी आंखों से बाहर निकलते हैं। और कसम खुदा की कि हम एक-एक चाइनीज को खून के आंसू रुलाएंगे, खून के नहीं, वो तो मिर्ची के आंसू होंगे, मिर्ची के आंसू। भाई ये तो बात हुई चाइना वालों की, पर अब जो हमारे करोड़ों पबजी प्लेयर हैं उनका क्या? साले कुत्ते, कमीने, हरामखोर, कामचोर। ना 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 ना, ये गाली मैं नहीं दे रहा हूं, ये गालियां तो देते थे उन पबजी प्लेयर के खुद के घर वाले उनको, जब वो दिन भर अपने बेड पे पड़े खटिया तोड़ते रहते थे और पबजी खेलते रहते थे। उल्टे पबजी खेलने के चक्कर में वो खटिया के साथ साथ अपने आसपास के रिश्तेदारों को भी तोड़ देते थे। बताओ कैसे? ऐसे, अरे मारना, अरे मार, अरे मारना, अरे क्या कर रहा है, ऐसे मार, अरे ऐसे ऐसे ऐसे, इसको मार, ऐसे बिल्कुल। अब सोचिए कि वो रिश्तेदार कितने खुश हुए होंगे जब ये पबजी पे बैन लगा। अब आप खुद सोच के देखिए, स्पेशली वो माँ कितने खुश हुई होगी जिसका बेटा कॉलेज जाने के नाम पे निकलता था और पबजी के ग्रुप में जाकर बैठ जाता था। वो वाइफ कितनी खुश हुई होगी जिसका पति ऑफिस से सीधा घर आके बैठ के पबजी खेलने बैठ जाता था। अब बेचारी को बाहर चिकन डिनर कराने की बजाय पबजी वाले चिकन डिनर के मजे लेता था। वो वाइफ कितनी खुश हुई होगी। और स्पेशली एक बहन ने तो मुझे बताया भी कि इस बार गणेश चतुर्थी पे मैंने स्पेशली गणपति बप्पा से यही मांगा था कि भैया पबजी पे बैन लग जाए और मेरा भैया अच्छा भैया बन जाए। तो मेरी इस गिफ्ट को गणपति बप्पा ने मुझे दे ही दिया, रॉकी के फिक्स 1 महीने बाद मुझे ये गिफ्ट मिला है। तो सब बातों का सार ये है कि सारे रिश्तेदार बड़े खुश हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक किस्सा शेयर किया था, कैसे इस पबजी के चक्कर में मैंने अपने गले की सोने की चेन और एक ब्रेसलेट दोनों गवा दिए। आज इस वीडियो में मैं आपको अपने एक दोस्त दलबीर सिंह जी का किस्सा शेयर करता हूँ। हुआ ये कि दलबीर सिंह जी अपने घर में सो रहे थे, रात को करीब 1 बजे उनकी वाइफ ने उनको आके उठाया कि सुनो जी सुनो जी, उठो, देखो पड़ोस वाले गुप्ता जी के यहाँ से कैसी कैसी आवाजें आ रही है। दलबीर सिंह जी नींदों में उठे तो देखा तो पड़ोस वाले घर से आवाजें आ रही थी, पकड़ो से पकड़ो से पकड़ो से। दलबीर सिंह जी को लगा कि यार गुप्ता के यहाँ कोई चोर वोर आ गया दिखता है। वो अपना मोबाइल वोबाइल संभालने लगे कि भाई पड़ोसियों को फोन करके इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर सब चल के जाके पकड़ेंगे चोर को। इतने में फिर पड़ोस से आवाज आई जोर से अपनी बात कि मारो इसको, मार डालो इसको। अब के तो सिंह साहब का खून खौल उठा, उन्होंने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और सीधे गालियां निकालते हुए बाहर की तरफ भागे, कौन है साला हरामी जो मेरे दोस्त कुत्ता को मारने आए? आओ सालों, इस शेर का सामना करो, वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने शोर सुन के सारे पड़ोसियों के घरों की लाइट जल गई, सब बाहर आ गए, गुप्ता
गुप्ता जी भी जल्दी से जाके बाहर आए तो देखा तो दलबीर सिंह जी के हाथ में नंगी तलवार और आंखों में ऐसा भयंकर क्रोध कि कोई देख ही नहीं सके उनकी आंखों में। ये देख के गुप्ता जी भी डर गए। इतने में पड़ोस वाले कमरे से आवाज आई, हुर्रे आज ही मैं चिकन डिनर जीत गया, आज ही मैं चिकन डिनर जीत गया। बस ये सुनना था तो सब उधर भागे। देखे पड़ोस वाले कमरे में गुप्ता जी का लौंडा कानों में बड़े बड़े ईयरफोन लगाए पबजी खेल रहा था, उसके लिए वो चिल्ला रहा था। तो ये होते हैं पबजी के किस्से। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी इतना सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, और हाँ प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। मेरे को सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है ना इसे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँच जाएँ। तो जय हिंद जय भारत।